आरके मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस अभी जो राखी का त्योहार है, किस प्रकार की वैरायटी जो आपने राखी में लाई है? इस टाइम हमारी जो दुकान है काफी अच्छी वैरायटीज दिख रही है और बहुत अच्छे अच्छे धागे हैं बच्चों के लिए, टैडी वाली रखी है, देख सकते हो आप। और इस बार देखने को ये मिल रहा है कि लोगों में ये हो रहा है कि स्वीट्स को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे उसमें लाल होती है, इसमें आप देख सकते हो आप जैसे जूस वगैरह और स्नैक्स वगैरह चाहिए हैं वही यूज़ कर रहे हैं। और अरोमे तो इतनी नहीं अगर टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा कल ही होगा रश। मैडम आप हमें वैरायटीज बता सकती हैं आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज है राखी में? देख सकते जैसे आप देख सकते हो ये रुद्राक्ष में है और ये काफ़ी मोती वाले हैं, जैसे अट्रैक्टिव हैं बहुत सारी। भैया कितने कितने की राखी है जी, हमें बताएंगे जरा? भैया जी 70 रुपए की है, जी 80 की, ये वाली 40 की, ये वाली 40 की है, ये वाली 40 की, ये 50 की, ये 40 की, ये 40 की, ये 40 की, ये वाली। आपके पास कितने कितने की राखी है? भैया 10 रुपए से स्टार्ट। सर रक्षाबंधन पे आपने किस प्रकार की वैरायटीज लाई हुई हैं? लोग मिठाई को इग्नोर कर रहे हैं, जूस को ज्यादा वो कर रहे हैं। आपके पास गिफ्ट पैक हैं रक्षाबंधन के? क्यों नहीं, हमारे पास सब कुछ है। आप गिफ्ट पैक लेने आए हैं रक्षाबंधन पे? सर आपका क्या कहना है रक्षाबंधन पे, आप मिठाई ज्यादा चलनी चाहिए कि जो गिफ्ट पैक है जैसे जूस वगैरह जो ज्यादा चलना चाहिए? एक्चुअली जैसे आपको पता ही है कि रक्षाबंधन जो है वो मिठाइयों का त्यौहार है, भाई बहन अपनी बहन के साथ तो ये भी हम मनाते हैं त्यौहार। लेकिन एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि मिठाइयों में बड़ी मिलावट आ रही है, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया है, जैसा दिखा देख सकते हो दुकान भी ज्यादा मिठाइयाँ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब मिठाइयों मिलावट के कारण इसकी बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो जैसे ये स्पेशल प्रोडक्ट्स आए हैं जो राखी पे, तो लोग इसको ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं एज ए गिफ्ट अपनी बहनों को दे रहे हैं। तो जितने भाई हैं वो सब एक गिफ्ट एक्सचेंज करके रक्षाबंधन का मना रहे हैं, तो हमारे दुकानदार भाई भी वही सब मिठाइयों को पीछे रख के ऐसे नए नए गिफ्ट जो है दुकानों में ला रहे हैं।